नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन रावत और आप देख रहे हैं मेडिकल टच। दोस्तों, आज हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पब्लिक में दिखी है। और ये खासकर जो हम देख रहे हैं, ये जो है यंग जनरेशन में ज़्यादा ही ये डिज़ीज़ सर्कुलेटेड है। इस डिज़ीज़ का नाम है गॉल स्टोन, जिसको हम नॉर्मल अगर भाषा में बोलें तो ये होती है पथरी। तो पथरी के इलाज के काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए आज हम आए हैं डॉक्टर हेमंत कुमार के पास, और उनसे हम जानेंगे कि इस डिज़ीज़ के क्या क्या जो है बेस्ट ऑप्शंस और बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो पहले हम डॉक्टर हेमंत के पास जाएँ, उससे पहले मैं डॉक्टर हेमंत का एक क्विक आपको इंट्रो देना चाहूँगा कि डॉक्टर हेमंत कुमार दिल्ली में वर्किंग है, और डॉक्टर हेमंत कुमार को 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें वो हज़ारों सर्जरियाँ कर चुके हैं, और जिसके अंदर मेजरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और आपका जो है रोबोटिक सर्जरी इंक्लूडेड है, जो अभी वो रिसेंटली कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम मिलते हैं डॉक्टर हेमंत कुमार से, और उनसे ही जानेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, इससे पहले कि मैं आपसे इस डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लूँ, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत हूँ। थैंक यू फॉर द इनविटेशन आज इस प्रोग्राम के लिए। मैं पिछले 10 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में अपना यूनिट लीड कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 16 प्लस इयर्स का रहा है, जिसमें जैसे उन्होंने कहा कई सारी रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मैं कर चुका हूँ। देखिए, गॉल ब्लैडर का जो डिज़ीज़ होता है, जैसे हम स्टोन की डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सो गॉल ब्लैडर के बारे में पहले हम जान लेते हैं। सो गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, एक हेपेटोबिलियरी सिस्टम का पार्ट होता है, जो हमें डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर देता है। सो पर से गॉल ब्लैडर का कोई प्रोडक्शन या कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, अदर देन स्टोरेज। जो लिवर से पित्त यानी बाइल जो आता है, जो डाइजेशन में आपकी हेल्प कर देता है, स्पेशली फैट डाइजेशन में और वाइटामिन ए डी और ई के एब्जॉर्प्शन में, वो स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। सो गॉल ब्लैडर का प्रिमिटिव या प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज। तो सर, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे हम मान के चलिएगा, एक ग्लास पानी बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, तब उसमें हम देखते हैं नीचे वहाँ पे कुछ ना कुछ जम जाता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, यानी इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में भी ऐसा ही होता है। कई टाइम से अगर उनके अंदर बाइल जमा रहा, तो ये बाइल क्रिस्टलाइज होके स्टोन्स फॉर्म कर देते हैं। दो तरीके के स्टोन्स होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है और एक पिगमेंट स्टोन होता है। इनका एक कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसको हम मिक्स स्टोन बोलते हैं। तो ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। किस में बनता है, किस में नहीं बनता है, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, बट जेनेटिकली इट इज़ लिंक्ड। तो ये जीन्स के से लिंक्ड है कि जिस में बन सकता है, किस में नहीं बन सकता है। वैसे हमारे टेक्स्ट बुक में बोला जाता है कि फैट फर्टाइल फीमेल 40, ये सारे इंडिकेशंस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का। बट आज के ज़माने में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, 14-15 साल के बच्चों में भी हम ये स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन देखे जाते हैं। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब किसी को अगर ये चीज़ अगर आज हो जाती है, तो वो क्या क्या चीज़ें, कैसे प्रॉब्लम वो देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। सो बेसिकली देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, अगर मान के चलिए 10 लोग आपके सामने बैठे हों और 10 लोगों का हम अल्ट्रासाउंड करें, उसमें कम से कम 3 से 4 लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स होता है। सो कॉमनेस्ट गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं, उसकी ए सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उनका कोई सिम्टम्स नहीं होता। पेशेंट में, मरीजों में कई सालों तक ये पड़े रहते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, उसी कॉम्प्लिकेशन को लेके मरीज हमारे पास आ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, बेसिकली जैसे स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेजेस में, एसिडिटी, पेन, डिस्कम्फर्ट, पेट फूलना, ये सब कॉमन कंप्लेंट से पेशेंट आ जाते हैं। थोड़ा और ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेशन रहा, यानी सूजन रहा गॉल ब्लैडर का, तो उसके साथ साथ वॉमिटिंग, ठीक है, दर्द जो राइट साइड ऑफ द पेट, अपर राइट साइड होता है, और फिर आपकी शोल्डर टिप में आ जाता है और पीठ पे भी चला जाता है, ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन रहता है एक्यूट स्टेट में, यानी जो सूजन वाली स्टेट में होता है। इसके अलावा पीलिया, ये भी प्रेजेंटेशन हो सकता है जब गॉल ब्लैडर स्टोन लीवर के ऊपर प्रेशर डाल रहा हो, या फिर गॉल ब्लैडर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें स्टोन गॉल ब्लैडर से नीचे सरक के
CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट में आके फंस जाते हैं। ऐसे केसेस में अगेन फीवर भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है एंड साथ साथ जॉन्डिस भी हो सकता है। और एक कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो इसमें हमें पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है इन मरीज़ों में। कॉमनेस्ट कॉज पैंक्रियाटाइटिस का इंडिया में गॉलस्टोन्स है। सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज अल्कोहल है। तो पैंक्रियाटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है जिसके लिए कभी कभी पेशेंट को ICU एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से गॉल ब्लैडर की जो स्टोन्स है ये बहुत रिस्की और डेंजरस हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर हेमंत ने बताया है कि जैसे ही आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखें तो आप इसको लाइटली ना लें और तुरंत ही आप अपने डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट आप ले टाइम दें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और टाइम पे इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो सर, अब हमने जान लिया है कि ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और ये कैसे डायग्नोस किया जाता है। देखिए, पहले तो जब पेशेंट आपके पास सिम्टम लेके आता है तो फर्स्ट चीज़ होती है एक शक, एक गुंजाइश कि इस पेशेंट में गॉलस्टोन हो सकते हैं। तो जब हम शक के गुंजाइश पे जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की जांच करते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड कराइएगा। अल्ट्रासाउंड वन ऑफ द बेस्ट और कॉमनेस्ट तरीका होता है कि हम गॉलस्टोन की डायग्नोसिस करें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हम साथ में सोच रहे हैं जैसे CBD में स्टोन या पैंक्रियाटाइटिस, तो हम इससे ऊपर वाले इन्वेस्टिगेशन जैसे MRCP हो या CT स्कैन हो तब हम करवाते हैं, वरना अल्ट्रासाउंड गॉलस्टोन डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहता है, और आज पास ट्रीटमेंट कंसर्न है, ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज सर्जरी। सर्जरी से ही गॉलस्टोन्स की ट्रीटमेंट की जाती है। बेसिकली देखिए, गॉलस्टोन्स का ट्रीटमेंट एक ही है, सर्जरी। ठीक है, आप दवाई से इसको मिटा नहीं सकते। एक बार स्टोन्स बन गया तो इसका मतलब है कि वो बीमारी वाला गॉल ब्लैडर है और इससे आपको कई सारी परेशानियां या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। अगर सिम्टोमेटिक है तो तुरंत ही उसका ऑपरेशन करके दोनों गॉल ब्लैडर और स्टोन को निकाला जाता है। अब लोग पूछेंगे कि हम सिर्फ क्यों स्टोन नहीं निकाल सकते, गॉल ब्लैडर को निकालने की ज़रूरत क्या है? एक बार अगर स्टोन बन गया गॉल ब्लैडर में तो ये गॉल ब्लैडर बीमारी वाला होता है, यानी इट्स अ डिजीज्ड गॉल ब्लैडर। और इसका ट्रीटमेंट है कि आप उस बीमारी वाले जो जड़ है उसको जड़ से ही निकाल दो। जैसे यहाँ पे जड़ है गॉल ब्लैडर, आपने स्टोन निकाला तो अगले एक या दो महीने में दोबारा से स्टोन हो जाएंगे। प्लस यूनिवर्सली गॉल ब्लैडर निकालना ही इसका ट्रीटमेंट होता है और इसमें कोई शक या किसी और नहीं है, क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी एक बॉडी का हिस्सा है बट ये एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स है। इसमें कभी भी प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका हल एक ही होता है कि इसको हमें निकालना होता है। और क्योंकि आजकल ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से किया जाता है, बहुत छोटे छोटे छेदों के सहारे किया जाता है। आधे घंटे की ऑपरेशन होती है, पेशेंट को एक या दो दिन हॉस्पिटल में रहना होता है और उसके बाद पेशेंट आराम से उठ के अपना रोज़ का काम भी कर सकते हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो रिकवरी पेशेंट की बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसके लिए इसका जो ट्रीटमेंट है कि हम जल्द से जल्द सर्जरी करें ताकि इसको हम कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड कर सकें और कॉम्प्लिकेशन से ट्रीट ना कर सकें। तो सर, आप नेक्स्ट जैसे आपने बताया है कि इसका सर्जरी ही ऑप्शन है और उसमें गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों में होता है कि सर्जरी के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ये काफ़ी मिस रहता है, तो आप इसको बताइए कि सर्जरी के बाद वो लाइफ कैसी रहती है पेशेंट की? देखिए, हर एक प्रोसीजर के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जुड़े होते हैं, बट ये सर्जरी एक ऐसी मोड पे आ गई है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट तो बहुत ही कम है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी किया जाता है, दूरबीन से किया जाता है, जहाँ पे आप अच्छे से देख पाते हो और कर पाते हो, तो कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी के साथ एसोसिएट बहुत ही कम है। वैसे माना जाता है कि अगर ब्लीडिंग होता है या बाइल डक्ट इंजुरीज होते हैं, ये बहुत बहुत लेस देन 1% चांस है ऐसे होने का। बट लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी ऐसा नहीं है कि पेशेंट में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। पेशेंट में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं इनिशियली फर्स्ट 1 or 2 weeks। पेशेंट कई सारे पेशेंट एसिडिटी बोलते हैं, कई सारे पेशेंट ऊपर जहाँ से हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं उस एरिया में दर्द बोलते हैं, बट ऐसा इनकैपेसिटेटिंग नहीं होता, यानी कि पेशेंट अपने रोज़ का काम कर नहीं पाता, ऐसी कोई इश्यूज़ रहता नहीं है। पेशेंट अपना चलना फिरना, ड्राइविंग, वॉकिंग और अपना रोज़ का खाना सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही कर पाते हैं, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज जो है वो अपना जो रूटीन एक्सरसाइजेस है वो ऑपरेशन के 2 या 3 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, और जो एडवांस्ड
एक्सरसाइज होते हैं जिसमें काफ़ी हमें बल का सब पेट का या यू नो मसल एब्डोमिनल मसल के यूज़ करनी पड़ती है, तो इसमें उनको थोड़ा टाइम लग जा सकता है। तो मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद ही अपनी रूटीन एक्सरसाइज सारा कुछ कर सकते हैं। सर अब आखिरी में आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे उनको जो है कम्फर्ट रहे। देखिए इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, जो तुरंत सर्जरी के बाद, वो जितना मूवमेंट रखे उनके लिए बेहतर है। ऐसा ना सोचिए मरीज है, ऑपरेशन हुआ है, लेटे ही रहे, ऐसा कभी नहीं होना है, क्योंकि इससे रिकवरी डिले हो जाती है। यानी पेशेंट्स को आगे अपने जितनी एक्टिव रहेंगे उतनी फास्टर उनकी रिकवरी हो जाती है। सेकेंड चीज़, खाने में स्टार्ट कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट डाइट से, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ के वो नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। खाने के लिए तो वो सब कुछ खा सकते हैं, मे बी आफ्टर अ वीक्स टाइम, बट क्वांटिटी कम रखना है। स्पेस आउट मील्स खानी है थोड़ा थोड़ा करके, जो नॉर्मली हर किसी को खाना चाहिए उसी तरीके से उनको रहना, बट क्वांटिटी कम रखें, यही इसका ट्रिक है। और ज़्यादा फैटी फ्राइड चीज़ें अवॉइड कर लीजिएगा, जो इन जनरल हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। बस यही प्रिकॉशंस होते हैं, अदर देन दैट कोई जनरली इनमें कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज रहता नहीं है। थैंक यू सर, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहे, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो आपसे कैसे कर सकता है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर कोई पेशेंट मुझसे मिलना चाहे या मेरी सलाह लेना चाहे, तो मुझे वो फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में बिटवीन 9 to 4 हर दिन एक्सेप्ट संडेज या पब्लिक हॉलीडेज आके मिल सकते हैं। प्रायर अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरी सेक्रेटरी, जिनका नंबर आपको इसमें लिंक में दिया जाएगा, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आना बेहतर रहेगा, ताकि उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े और उनकी टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, जो काफ़ी लोगों को काफ़ी काम आएगी, जिससे वो इस चीज़ से बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार आपके चैनल मेडिकल टच से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम ये जो है, आई एम श्योर कई लोगों में जाके मेडिकल नॉलेज स्प्रेड करेगा, अवेयरनेस करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में राइट नॉलेज की अवेयरनेस यानी स्प्रेड होनी चाहिए। और आपका चैनल से काफ़ी मैं ये यू नो सहमत हूँ, जिस तरीके से आप अपना प्रोग्राम और ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द हेल्प। आई होप ये जानकारी आपकी काम आएगी, और आगे आपको अगर कोई इशू, कोई इस मैटर पे डिस्कस करना हो, आप हमें संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।